सो गाइस आज बन रहा है वेज बिरयानी, लाइक होममेड वेज बिरयानी जो आप घर पे आराम से बना के खा सको, वैसा वाला वेज बिरयानी मैं बना रहा हूँ। सो उसके लिए हम तवा को थोड़ा गर्म कर देंगे, तो उसके लिए लिए हम ऑनियन और टोमेटो का चॉप और थोड़ी सी तेज पत्ता और लौंग और ब्लैक पेपर और ये वेजिटेबल, ये सब वेजिटेबल है बोल किया है, इसमें बीन्स कैरोट फ्लावर्स ग्रीन पीस सब मिक्स है। उसके बाद हम ये थोड़ा सा पनीर का कट, पनीर थोड़ा सा, तो उसके बाद हम ये ऑनियन ग्रेवी और किसी ऑनियन ग्रेवी बनाएंगे। थोड़ी सी अदरक लहसुन और ग्रीन चिल्ली का चॉप, हाँ सब बन रहे वेज बिरयानी। उसके लिए हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, सनफ्लावर ऑयल डालेंगे हम, ये तेज पत्ता लौंग इलायची जो भी है गरम मसाला हर किसी से देंगे इसको। तो उसके ऊपर से डालेंगे हम ये ऑनियन चॉप है टमाटो चॉप, थोड़ा हल्का सा भूनेंगे, थोड़ा ब्राउन करेंगे, तो ये हल्की भूनते ब्राउन होने के बाद हम डालेंगे जिंजर अदरक ग्रीन चिली का पेस्ट थोड़ा सा हल्के साथ, घर पे भी आराम से बनाए खा सकते हो वेज बिरयानी। पूरा होने के बाद हम इसके ऊपर डालेंगे ये हमारा बॉइल वेजिटेबल, और इसको हम थोड़ा भूनने के बाद हम डालेंगे थोड़ा सा कटा हुआ पनीर, वेज बिरयानी पनीर डालेंगे, हम डालेंगे हल्की सी सॉल्ट नमक, डालेंगे हम थोड़ा सा हल्दी पाउडर, हल्दी पाउडर थोड़ा सा गरम मसाला, ये अच्छे से हम भूनेंगे फ्राई करेंगे। हल्की सी किचन किंग और चिल्ली पाउडर हल्का थोड़ा सा, इसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे और पूरी सुखा देंगे। थोड़ा फ्राई होने के बाद हम डालेंगे इसमें ऑनियन पेस्ट ग्रेवी, ये अच्छे से मिक्स करेंगे। ये मिक्स अच्छे से फ्राई होने के बाद हम इस ऊपर से डालेंगे ये बासमती राइस, ग्रीन राइस, ये हम मिक्स करके बनाएंगे दो तीन मिनट तक। बिरयानी होने के बाद हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा प्योर वाटर, हल्का फ्लेवर भी